दोस्तों, ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आप अपना प्रॉपर्टी या अपना जमीन उसका आप टैक्स पे करते हैं। तो नॉर्मली अभी तक होता यही था कि आपको जाके टैक्स पे करना पड़ता था या कोई बंदा टैक्स कलेक्टर आपके घर में आता था और टैक्स देता था। लेकिन अब कुछ पोर्टल को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है जिसके जरिए अब वेस्ट बंगाल में बैरकपुर हो, खरदा, टीटागढ़, उत्तर पाड़ा हो या चंदन नगर हो, कोई भी ऐसा जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको कर दिया गया है। उससे आप आसानी से अपना घर का टैक्स पे कर सकते हैं, यानी कि म्यूनिसिपल टैक्स जो पे करना पड़ता है उसको कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कैसे आप अपना म्यूनिसिपल टैक्स को पे करेंगे ऑनलाइन और उसका प्रिंट को डाउनलोड करेंगे, जो भी रिसीट है उसको डाउनलोड करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम लोग वेस्ट बंगाल का पोर्टल में चलते हैं और वहां पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग अपना पेमेंट करेंगे या फिर उसका रिसीट को डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग फटाफट यहां से चलते हैं, तब तक इस वीडियो में बने रहिए और हम लोग बताएंगे कि आपको गूगल में जाकर किस साइट में जाना है और पे करना है। तो फटाफट चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गूगल में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना पड़ेगा होल्डिंग टैक्स डॉट को डॉट इन या होल्डिंग टैक्स भी आप सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। ये पहला वाला जो है WBUDMA, ठीक है, इसका ऊपर आप क्लिक करिए। अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर फिलहाल इसको खोल दिया गया है। इसमें आपके सामने आपका तीन लॉगिंग इंटरफेस आता है जिसमें से आपको जाना है सिटीजन एंट्रीज में। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा आपको यहाँ पर पूछेगा कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट भरिए। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते हैं, नॉर्थ 24 परगना। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आप किस म्यूनिसिपैलिटी के अंतर्गत आते हैं, तो हम बैरकपुर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका वार्ड नंबर क्या है, तो 18 नंबर वार्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पूछेगा आपका लोकेशन क्या है, मैंने किस किस एरिया के हैं, तो हम यहाँ पे फिलहाल GC रोड का है। अब फाइनली यहाँ पर पूछेगा होल्डिंग नंबर, तो होल्डिंग नंबर चलिए हम लोग भर देते हैं। होल्डिंग नंबर भरने के बाद हम जस्ट एक रेंडमली होल्डिंग नंबर भर दिए हैं। भरने के बाद हम प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए नीचे में SSC सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया और ये अपने आप खुल जाएगा। यहीं पे आपको दिखा देगा, ये हमारे पास वाला होल्डिंग नंबर है सरस्वती देवी एंड रघुनाथ साहू 18 नंबर। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फिलहाल पेंडिंग नहीं है। अब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर रिसीट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, ये वाला खुल जाएगा। अब यहाँ से सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं रिसीट को, यहाँ से डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे पेमेंट का भी ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। इसका वजह यही है कि ये पेमेंट हो चुका है, कुछ पेंडिंग होता है तो यहाँ पर पेमेंट का शो करता है। तो चलिए हम लोग कोई पेंडिंग वाला देख लेते हैं। यहाँ से हम फिर से जाते हैं, चलिए फिर एक को रेंडमली हम सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं तो अपने आप एक्सेसिस जैसे वेरीफाइड होगा ये खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कोई भी पेंडिंग यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, अब्दुल मुन्नाफ अदर्स। चलिए हम और एक दूसरा ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे शेख नजरुल, एक अशरफ अली, मुश्ताक मोहम्मद अशरफ अली, ये जो भी है यहीं पे आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। सिंपली यहाँ पे फिलहाल नो पेंडिंग है तो यहीं पे पेमेंट का ऑप्शन दीजिएगा। आप तो आपसे पूछेगा बिल्डेक्स या डेबिट कार्ड, तो जस्ट उसको भरना है और आपको ऑनलाइन पेमेंट कर लेना है। फिलहाल जहाँ पे अगर नो पेंडिंग रहेगा तो वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो एक छोटा सा वीडियो तो हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, अगर इम्पोर्टेंट है तो जरूर से जरूर लाइक तो करिए और शेयर करके बता दीजिए औरों को जो म्यूनिसिपल जाते हैं या जिनको वक्त नहीं मिलता है, वो ऑनलाइन में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर।